हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी प्यारी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज जेली, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज जेली बनाने के लिए हमने लिए है 2 ऑरेंज। हम इसका पहले जूस निकालेंगे, तो चलिए पहले इसका जूस निकालते हैं। देखिए, हमने ऑरेंज जूस निकाल लिया है। ये हमारा 1/2 कप ऑरेंज जूस है, 1 टेबल स्पून चीनी है और 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अब हम सबको मिक्स करेंगे। तो हम अपने फ्राइंग पैन में लेते हैं, इसमें हम पूरा ऑरेंज जूस डालते हैं, शुगर डालेंगे और फिर कॉर्न स्टार्च डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसका अच्छे से घोल बना लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं लगे हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे। हमने गैस ऑन कर लिया, हम इसको रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हम अपनी गैस ऑफ करेंगे। ये हमारी गाढ़ी हो चुकी है। आज तो हमने प्लेट लिया है स्क्वायर शेप का, इसमें हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। देखिए, हमने इसको प्लेट में अच्छे से प्लग लिया है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम फ्रीज में रखेंगे और 4 से 5 घंटे तक हमें इसे फ्रीज में रखना है। उसके बाद हम इसे जेली काट के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा 4 घंटा हो गया है, हमने 4 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाला है। चलिए हम इसको काट के देखते हैं कि हमारा ये कैसे जेली बना है। ये मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। अब हम इसमें 1 इंच जेली उठा करके इसको चारों तरफ से इसको कोकोनट पाउडर का कोटिंग कर देंगे। देखिए कितनी डिलीशियस बनी है हमारी जेली। आप इसे एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।